क्रोनो कैरेक्टर के बारे में जो फाइनली आ चुका है गेम में, एंड यार 100 डायमंड के टॉप अप पे मिल रहा है क्रोनो कैरेक्टर। सो फाइनली इसकी क्या स्किल एंड क्या स्पेशलिटी है, एंड ये कैरेक्टर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या ये कैरेक्टर बेटर देन आलोक या केस है, तो सबका क्वेश्चन आपको इसमें इस वीडियो में आंसर मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो सबसे पहले मैं आपको कैरेक्टर के मतलब स्किल्स के बारे में बता दूँ, तो यहाँ पर एक शील्ड बना के देता है जिसका डैमेज है 600 लेवल 1 पे ही, एंड यार इसमें साथ ही साथ आपको 15% मोर मूवमेंट स्पीड मिलेगी लेवल 1 पे, एंड यहाँ पर जब स्टार्ट करोगे तो एक इंस्टेंट देने के लिए, रनर अप देने के लिए 10% साथ में और मिलती है इंस्टेंट स्टार्टिंग में, ठीक है। और ये टोटल स्किल 4 सेकंड तक चलेगी लेवल 1 पे, एंड कूल डाउन की बात करें तो 50 सेकंड। तो यार लेवल 1 पे ये कैरेक्टर इतना इफेक्टिव नहीं लग रहा है, बट क्या लेवल मैक्स पे इसका क्या हाल है मैं आपको वो बताऊँ, तो लेवल मैक्स पे भाई ये कैरेक्टर एक नंबर ओपी कैरेक्टर बन जाता है, ठीक है यार रोनाल्डो। एंड यार ये काफ़ी बड़ी बात है कि रोनाल्डो कैरेक्टर हमारे यहाँ पर है, ठीक है हमारे गेम में आया है। यार रोनाल्डो बड़ा मतलब बहुत भाई फुटबॉल में बहुत फेम है उनकी, ठीक है। अब लेवल मैक्स की बात की जाए तो देखो यहाँ पर 600 डैमेज सिल का रहेगा, सो सेम ही है, बट मूवमेंट स्पीड 30% मिलेगी, और स्टार्टिंग का जब रनर अप है वो 15% जब स्टार्ट करोगे ना, तो 30+15 45 के में स्टार्ट होगा, फिर 13 कंटिन्यू रहेगी, 9 सेकंड तक चलेगा, कूल डाउन बोलो 40 सेकंड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शील्ड, शील्ड क्या है, तो देखो शील्ड यहाँ पर क्रिएट होती है जिसका डैमेज है 600, वो चलती है 9 सेकंड के लिए, और कूलडाउन है 40 सेकंड। मतलब जो शील्ड है वो आपको कवर करके रखेगी एनिमी को, मतलब जो एनिमी आप पे कोई अटैक करेगा या फिर कोई गन फायर करेगा तो आपको कुछ नहीं होगा जब तक वो शील्ड आपकी सराउंडिंग में आपको कवर करके रखेगी, आपको बचाएगी एंड आपके पार्टनर्स को भी बचाएगी अगर आपके पार्टनर उस शील्ड के अंदर है। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने शील्ड क्रिएट कर दिया देखो, एंड इस शील्ड के अंदर हूँ, एंड देखो वो अपोनेंट मुझे मार रहा है पर उसको कुछ नहीं हो रहा, बट मैं मार रहा हूँ उसको लगे जा रही है, आप देख सकते हो। तो आप शील्ड के अंदर से भी फायर कर सकते हो, एंड वो करेगा तो भाई आपको कुछ नहीं होने वाला, 9 सेकंड तक ये शील्ड चलती है, तब तक आपको मतलब इसमें आप सराउंडेड रह सकते हो एंड बच सकते हो। अब इस शील्ड कहाँ पर यूज़ कर सकते हो मैं आपको वो भी बताऊँगा, ठीक है, तो भाई वीडियो को एंड तक देखना है। एंड हाँ एक और बात देखो, शील्ड मतलब जब तक रहेगा तो बाहर से जो अटैक करेगा उसको निपट, कोई शील्ड के अंदर घुस के तुम्हें आराम से मार सकता है, ये बात ध्यान रखना, नोटिस कर लो, कोई भी बंदा अंदर घुस के शील्ड के तुम्हें मार सकता है अगर तुम शॉर्ट रेंज की फाइट लेते हो, तो तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड यार यही आलोक से क्या बेटर है, तो भाई देखो उसके लिए एक दूसरा वीडियो आएगा जो सुबह के शायद तक 11-12 बजे तक आ जाएगा, तो उसको देखना, ठीक है आपको इजीली पता चल जाएगा। अब मैं बताता हूँ शील्ड को कैसे यूज़ करना है, तो देखो शील्ड को आप इस तरह यूज़ करते हो, अगर आप भाग रहे हो एंड एनिमी ने आपके ऊपर अटैक किया तो आप इसको ग्लूवल के तरह यूज़ कर सकते हो, 9 सेकंड तक आप सेफ हो, तब तक आप कोई सराउंडिंग प्लेस ढूंढ लो या फिर उस पर अटैक करके उसे फिनिश कर दो, तो ये ग्लूवल का काम कर सकता है, ये आपको बचा सकता है किसी भी चीज़ से, आप देख सकते हो। एंड ये बंदे को कंफ्यूज भी कर सकता है, जैसे ये बंदा कंफ्यूज हो गया इसे कंफ्यूज भी कर सकता है, तो आप देख सकते हो शील्ड काफ़ी यूजफुल है आप देख सकते हो। एंड रोनाल्डो की काफ़ी तगड़ी स्किल लगी मुझे ये वाली, तो यार मतलब सही स्किल है, एकदम ओपी स्किल है। दूसरी स्किल की बात करूँ तो है मूवमेंट स्पीड, तो 30% मोर मूवमेंट स्पीड कर देता है, और जब आप स्टार्टिंग में जब हम इसको यूज़ करते हैं तो इंस्टेंट रनर अप देने के लिए 15% और मिलती है, इफेक्ट टाइम बोले 9 सेकंड तक चलेगा, एंड 40 सेकंड कूल डाउन है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्रेश करके देखेंगे कौन जीतेगा, चलिए यहाँ पर मैं पहले भागा एंड मैंने कैरेक्टर स्किल यूज़ की, यहाँ पर आलोक है और हम यूज़ कर रहे हैं रोनाल्डो, तो देखो कितना इजीली एंड फास्ट चल रहा है रोनाल्डो, 30% मोर स्पीड मिल रही है यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड हमने आलोक को पीछे रख दिया है, एक बार फिर से हम इसी एग्जाम्पल को लेंगे, इस बार हम कह रहे हैं आलोक वर्सेस रोनाल्डो, तो आलोक यूज़ हो चुका है आपने देखा, एंड अब देखो रोनाल्डो की स्पीड देखो आप, एंड देखते हैं यार आलोक के पास 15% मोर मूवमेंट स्पीड रहती है एंड इसका 30% मतलब 15% का गैप है, एंड यहाँ पर आपको 4-3 सेकंड का गैप दिख जाएगा, डिफरेंस दिख जाएगा, एंड आप देख सकते हो कितना पीछे रह गया था आलोक यहाँ पर, तो ओवरऑल भाई मूवमेंट स्पीड भी बहुत सही है। एंड अब मैं तुम्हें एक और बताऊँगा कि शील्ड की क्या स्पेशलिटी है, फिर मूवमेंट स्पीड फिर से आएंगे, तो शील्ड की बहुत सही स्पेशलिटी है कि भाई देखो सबसे बड़ी स्पेशलिटी की तो भाई तुम्हें कवर कर लेता है, सराउंड कर लेता है, एनिमी से बचा लेता है, ओके। अब देखो तुम शील्ड के अंदर ग्रेनाइट नहीं फेंक सकते, सबसे अच्छी बात ये है। अब यहाँ पर देखो एंड शील्ड की डैमेज है 600 एंड एक ग्रेनाइट 200 का डैमेज देता है, हमें पता है, तो 3 ग्रेनाइट में ये शील्ड ख़त्म हो जाएगी, नॉर्मल सी बात है, एंड 4th में फिनिश हो गया बंदा। तो एंड पर तुम शील्ड के अंदर से ग्रेनेड ज़रूर फेंक सकते हो, तुम्हारे ऊपर मतलब तुम शील्ड के अंदर नहीं फेंक सकते, बट तुम अगर शील्ड के अंदर हो तो तुम बाहर ज़रूर फेंक सकते हो, ओके। तो हुई ना बेटर बात, मतलब शील्ड काफ़ी यूज़फुल है, ओके। अब दूसरा है कि भाई तुम शील्ड के अंदर से किसी के ऊपर अटैक ज़रूर कर सकते हो,
एंड वो नहीं कर सकता। एंड हाँ, तुम ग्लूअल यूज़ कर सकते हो शील्ड के अंदर, बट अपोनेंट तुम्हारे ऊपर ग्लूअल नहीं डाल सकता जब तक तुम्हारे सराउंडेड में शील्ड है। ये भी एक बेनिफिट है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि भाई देखो, बेस्ट कैरेक्टर फॉर रशर एंड शॉटगन यूज़र। जी हाँ, मैंने आपको कहा था कि मूवमेंट स्पीड काफ़ी यूज़फुल होती है, तो रशर के लिए एक मूवमेंट स्पीड होनी चाहिए, और शॉटगन यूज़र जो शॉटगन यूज़ करता है भाई, उसके पास भी एक मूवमेंट स्पीड होनी चाहिए। उससे पहले आपको छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, जो फनी क्लिप है। यहाँ पर हम तीनों ने ही यूज़ किया है जो CR7 है या क्रोनो बोल दो। एंड आप देखो, एंड तुम्हारे भाई को ये पसंद नहीं था, तुम्हारे भाई ने मुक्के से मारा एक को, दूसरे को मार रहा था, बट मेरी हेल्थ डाउन थी, उसने मुझे मार दिया, ठीक है। अब भाई बदला तो लेना पड़ेगा भाई, पुए का भी मोड दिखा रहा है, तो ऐसे थोड़ी छोड़ेगा तुम्हारे भाई। यहाँ पर हम आ चुके हैं उसके पीछे ही जस्ट, एंड यार यहाँ पर इसको पट पट या हेड शॉट देंगे ईजी वाला, एंड हेड शॉट, एंड हम भी बुए वाला इमोट मारेंगे एकदम मस्त वाला, ठीक है। देन काफ़ी बढ़िया, ठीक है। तो भाई इसी बात पे लाइक कर दो, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, ऐसे और वीडियो मिलेंगे। एंड यार कंपैरिजन भी आएगा आलोक वर्सेस के वर्सेस हमारा ये क्रोनो, ठीक है। एंड यहाँ पर फिर से ये बंदा इमोट मार रहा है, ले भाई हेड खा तू, इमोट मत मार, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना आलोक।